जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर लें। झारखंड सचिवालय की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है। झारखंड की इस वैकेंसी को लेकर सबसे पहला सवाल आपका ये उठेगा कि क्या हम बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या किसी भी राज्य से हैं। तो बिल्कुल आप किसी भी राज्य से हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। टोटल 2000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। अधिकारी वाला जॉब है, सरकारी नौकरी है। सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 की सैलरी आपको मिलने जा रही है। तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपको देने जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। इस फॉर्म को भरने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाके आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड के, या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका लिंक एक्टिवेट दिखता हुआ नजर आएगा, जहां पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स अपडेट किए गए हैं। जैसे कि 20 जून से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 19 जुलाई के रात 12 बजे तक की होगी। उससे पहले आपको फॉर्म को आवेदन कर लेना, यानी कि लगभग आपके पास एक महीना कंप्लीट है, तो आराम से फॉर्म भरिएगा, सारी चीजें समझकर फॉर्म भरिएगा, हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है आपको। 21 जुलाई तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन उससे ज्यादा डिले मत कीजिएगा। अगर आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो लास्ट डेट जो है आपको 23 जुलाई तक दिया गया है। और यहाँ पर फॉर्म में अगर कोई त्रुटि होती है भरते समय, तो उस त्रुटि के सुधार को लेकर जो है 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अब जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ध्यान में रखिएगा आपको फीस चार्ज यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है। आप OBC, EBC, EWS कैटेगरी में हैं तो भी आप यहाँ पे 100 रुपये चार्ज के साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो आपसे यहाँ पे 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गया फीस डिटेल को लेकर। लेकिन आप इसके ब्राउचर यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास सेफ जरूर रखिएगा। अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको सीधे उस पेज पे ले जाया जाएगा जहाँ से आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब ये फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, यहाँ से जो है सेलेक्ट कीजिएगा कि हैव यू अप्लाइड फॉर बोथ CGL SSC 2015 और CGL 2019, इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं तो अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं किए हैं तो नो कर लीजिएगा। क्योंकि यस जैसे कीजिएगा आपको उसका डिटेल यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, ठीक है वहां पे। लेकिन 2015-19 का जो भी आपने यहाँ पे दिया है, और जो भी आपने 2021 के लिए आवेदन करने हैं उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। तो आपने अगर मान लीजिए कि नहीं किया था, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ से आप जो है नो कर लीजिएगा जो भी डिटेल आप यहाँ से अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे फिर से आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा नो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट में आपसे कोई भी डिटेल पुराना नहीं मांगा जाएगा। आर यू अ इंडियन सिटीजन, तो आप बताइएगा यस, क्योंकि आप अगर झारखंड से सॉरी अगर आप यू है भारत सरकार की तरफ से हैं, भारत के निवासी हैं, तो आप यस कर लीजिएगा। अप्लीकेंट नेम यहाँ पे डालना है, आपका जो भी नाम है, जो भी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वही डालिएगा। इसके आगे मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज ये सब मत लिखिएगा, ये जानकारी यहाँ से आपको दी गई है लिख के भी। डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है वही डालना है आपको यहाँ पे। फादर नेम डालना है यहाँ पे, मदर नेम डालना है, जेंडर आप क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, और मैरिटल स्टेटस जरूर डाल दीजिएगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। आर यू अ लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं, यस करते हैं, तो आपसे झारखंड का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। लेकिन नहीं है तो आप एज ए जनरल कैटेगरी में जाकर जो है इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप अदर स्टेट से हैं तो इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो जो भी बिहार के छात्र हैं या झारखंड, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश, बंगाल या किसी भी अन्य राज्य से आते हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन अ अनरिजर्व कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर जो है आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी का ही आपके पास एक ऑप्शन सीधे खुलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से आवेदन कर रहे हैं। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देना है, अपने चेहरे पे कोई भी मार्क्स है अगर एक दो तो उसके बारे में बता देना, एक ही बताइएगा जरूर से, कोई ना कोई मार्क्स अपने चेहरे पे, हाथ पे कटे छटे का निशान कुछ भी है तो यहाँ पे आप जरूर बता दीजिएगा।
और वैकेंसी टाइप जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, रेगुलर वाला वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग भी कुछ वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा चुका हूँ और दिखा भी दूंगा अभी आगे, ठीक है। तो यहाँ से आप रेगुलर वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस डालिएगा जो कि परमानेंट एड्रेस हो, और अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए आपके टिल एग्जामिनेशन तक, और उस नंबर को कंफर्म यहाँ पे करके डाल दीजिएगा। एक ईमेल आईडी भी, और उस कंफर्म ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख के डाल दीजिएगा। बस इतना काम करना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आना है पोस्ट प्रेफरेंस पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपको दिखला भी देना चाहता हूँ कि आपको फॉर्म में कैसे पोस्ट प्रेफरेंस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट है यहाँ पे और सबसे ज्यादा सीट भी है, और अगर मैं टोटल सीटों की संख्या की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो मैं अगर देखिए टोटल सीटों की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 2000 के आसपास जो है, 2025 या 2017 टोटल वैकेंसी है ना, 2017 टोटल वैकेंसी है या 2025 कुछ ऐसी वैकेंसी है, ठीक है। अब इसका जो है आप मान के चलिएगा कि 40% ऐसे छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है जो कि अदर स्टेट से हैं या कई अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 60% जो है छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो कि झारखंड के हैं, वो उनको वहां पे सीट रिजर्व है उनके लिए। अब बट 40% तो मान के चलिए अगर 2025 सीट है या 2000 के आसपास सीट है तो 40% मान के चलिए कि 800 या 800 से कुछ ज्यादा सीट जो है आप लोग के लिए जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए रखा गया। तो आप लोगों को वैसे ही पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप छात्र यहाँ पे एलिजिबल होंगे, आवेदन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेदन करने का जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका स्नातक के स्तर पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको दिखलाऊंगा अभी आगे चल के। तो सबसे पहले तो अपना पोस्ट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ही डाल लीजिएगा, यहाँ पे पोस्टों की संख्या भी ज्यादा है। उसके अलावा ये देखिए लेवल 2 का सैलरी स्केल है यहाँ पे, कनीय सच्चे हवाले सहायक का, तो इसको लास्ट में डालिएगा। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का पोस्ट अच्छा है यहाँ पे, इसको डाल सकते हैं। और प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, इसको बाद में डालिएगा, है ना, और यहाँ पे सीट भी कम है। और यहाँ पे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195 सीट है, और उससे ज़्यादा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 सीट है, और अंचला पदाधिकारी। तो आप जो है दूसरे नंबर पे अंचला पदाधिकारी कानूनगो के लिए आवेदन कीजिएगा, और तीसरा पोस्ट जो है आप प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए, चौथा पोस्ट जो है आप यहाँ पे जो है आप प्लानिंग असिस्टेंट का डाल सकते हैं, और पाँचवा जो है यहाँ पे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए डाल सकते हैं। तो ये प्रेफरेंस में मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ से कैसे प्रेफरेंस डालना है, तो यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पहला आप लोग पोस्ट डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो है सर्कल इंस्पेक्टर जो कि कानूनगो का वैकेंसी इंस्पेक्टर लेवल का जॉब है, फिर उसके बाद अगर आप भरेंगे तो प्लानिंग असिस्टेंट का भर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप भरना है तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भर लीजिएगा, पाँचवा अपडेट आपको ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का भरना है, और छठा अपडेट जो है जूनियर सेक्रेटेड असिस्टेंट का, और सातवा जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो इस प्रेफरेंस में जो है आप अपना जो है पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डालिएगा। इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल जो है आपको यहाँ से डालना है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका नंबर जो मांगा जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, उसके बाद बोर्ड, और आपका ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन कितना किए थे, और सब्जेक्ट तो यहाँ पे नन है, और इंटरमीडिएट में आपका जो है क्या स्कूल का नाम है या यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके बाद बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे, फिर ईयर ऑफ पासिंग कब का है, मार्क्स इतने ऑप्टेंट किए हैं, कितने में ऑप्टेंट किए हैं ये भी बताना है, ग्रेजुएशन का भी, क्योंकि ग्रेजुएट में आपका कितना स्कोर है, किस बोर्ड से किए हैं, और कब पासिंग किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है यहाँ पे, ठीक है, और सब्जेक्ट कितना है यहाँ क्या है आपका, ये बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपको यहाँ पे जो है एक कैप्चा देने को बोलेगा, ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कीजिए और फाइनली सबमिट कीजिएगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, और आपको जो है सारा डिटेल आपको जो फिलअप आपने किया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा, प्रेफरेंस दिखेगा, और फाइनली आप सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो कैप्चा टेस्ट मिसमैच बताया है यहाँ पे, तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे भरते हैं, दूसरे कैप्चे को रिफ्रेश कर लीजिएगा जो भी आपको कैप्चा यहाँ पे मिल रहा है, अगर वो नहीं ले रहा है तो, और आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिल जाएगा कि आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है,
और आप प्रोसीड पे आगे जो है यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे उस पेज पे ले आएगा जहाँ से आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चे को डालकर, यहाँ पे कैप्चे को डालिएगा और लॉग इन कीजिएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और अब आपसे ये बोलेगा कि आप जो है 24 घंटे के अंदर अपना ये जो 100 रुपीज का फी है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे अपना फी सबमिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे देखिए है ना। और यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी पूछेगा, तो पेमेंट कैटेगरी में आप जो है किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो 2023 के लिए आवेदन कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं। और यहाँ पे है ये देखिएगा, एक झारखंड डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी निकला है और आप झारखंड सीजीएल के लिए ये आवेदन कर रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट का डिटेल, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है अपना, जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपको दिया गया, और या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे जो आपने अभी आप लॉग इन किया था, नेम ऑफ कैंडिडेट डालिएगा, फादर नेम डालिएगा, और लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड है अगर हैं तो डालिएगा यहाँ पे, रिजर्वेशन कैटेगरी बताइएगा है ना, और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, एग्जामिनेशन फी कितना लिया जा रहा है वो डालिएगा यहाँ पे, और रिमार्क्स डाल दीजिएगा कि किसके लिए डाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इंडिविजुअल करके ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, जहाँ पे आपका नाम पूछेगा है ना, यहाँ पे जो है नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, और आई हैव एंड एग्री पे क्लिक करके जो है, और इस कैप्चे को यहाँ पे डालकर जो है आप इस कैप्चे को यहाँ डालिएगा और फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास सामने जो है बैंक के ऑप्शन आ जाएंगे कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप यूपीआई के थ्रू भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आप यूपीआई के यहाँ पे बोलेंगे तो क्यूआर कोड के थ्रू या फिर जो भी आपका यूपीआई नंबर है उसको डाल के यहाँ पे जो है आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम भी दिया जाएगा, और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ये आपको यहाँ से अपडेट भी होकर कंप्लीट पेमेंट पे आप आ जाएंगे। तो ये देखिए कंप्लीट पेमेंट पे आ गया, मैंने यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है अपने रिसिप्ट को, बस सिंपल सा ये फॉर्मेट है, यहाँ पे डाउनलोड या प्रिंट कर लीजिएगा है ना, और यहाँ से आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा या फिर यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंटेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो मैं चलो इसको सेव भी कर देता हूँ यहाँ से इसको। चलिए तो ये हो गया सेव यहाँ पे, और ये प्रिंट हो गया, और जब भी आपको प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट वाला सेक्शन पे आके कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसका फॉर्म भर के बता दिया, इसका जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुल कितनी वैकेंसी है जोड़कर यहाँ पे करीब 2000 से प्लस वैकेंसी है। किसी भी राज्य के छात्र छात्राएं हैं आवेदन कर सकते हैं। सैलरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सैलरी बात करूँ तो ये जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पे मैट्रिक 7 लेवल का सैलरी स्केल है, 44,900 की बेसिक सैलरी होगी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जहाँ पे लगभग 50,000 से ऊपर की सैलरी है इनकी। कनीय सचिवालय सहायक का वैकेंसी है जो कि यहाँ पे 20,000 और प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, तो इनका जो है जो सैलरी स्केल है ये आपको लगभग जो है 25 से 28 हज़ार का होगा। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का जो पोस्ट है वो 35,400 का बेसिक है, प्लस अलाउंस मिलेगा तो लगभग 50,000 की सैलरी ये भी बनेगी। प्लानिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट है ग्रुप सी का पोस्ट है, यहाँ पे 29,200 का बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा तो लगभग 50,000 की सैलरी ये भी बनेगी। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का जो पोस्ट है यहाँ पे 35,400 का है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का, और अंचला निरीक्षक जो सह कानूनगो है इनका, ये तीनों का सेम पे स्केल है तो ये तीनों का लगभग 50,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका जो है स्नातक होना चाहिए, उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। तो ये जो है सारा डिटेल हमने आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन जब आप झारखंड के निवासी हैं तो आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलेगा। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो है दिया गया, आयु सीमा 2 कैटेगरी में दिया गया है, जिनको कि 1 अगस्त 2023 से कट ऑफ डेट मांग के दिया जाएगा, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है, और जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना होगी इस संदर्भ में 1/8/2019 के, तो
क्योंकि 2015 और 2019 की भी वैकेंसी यहाँ बैकलॉग में रखी गई है, कुछ वैकेंसीज यहाँ पे बैकलॉग में भी है जिसके बारे में। तो इसके लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा का काउंटेबल जो है डेट यहाँ से मेंशन कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 साल से लेकर अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, यानी कि अगर आप बाहर से आवेदन करते हैं तो अगर आप यहाँ झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे एज में रिलेक्सेशन मिलेगा, जैसे कि ओबीसी में 37 साल के हो जाएंगे और ईबीसी में 38 साल महिला है तो, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से पुरुष महिला है तो 40 साल। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको एज क्राइटेरिया को दिया गया है। एज में छूट उन्हीं को मिलेगा जो कि यहाँ पे झारखंड के निवासी हैं, और 40% जो भी निःशक्तता के यहाँ पे छात्र हैं यानी पीएच कैटेगरी के हैं तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द, अगर वो झारखंड के निवासी हैं तो आरक्षण का लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। बाकी जो भी आपका सर्टिफिकेशन वगैरह है ये आप जो है झारखंड के निवासी हैं तो अपना बनवाएंगे अनुमंडल लेवल पे या अनुमंडल पदाधिकारी से या जिला स्तर पे, या आप बनवा के जो है इसको जमा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी झारखंड के निवासी हैं। बाकी अन्य राज्य से हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ये सब नहीं देना है, आप जनरल कैटेगरी से आवेदन इसी तरह कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है हमने आपको बता दिया है कैसे भरना है, सिंपल सा तरीका है, ₹100 का फीस चार्ज आपसे लिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों जो कि हमने आपको यहाँ से दी है। अब यहाँ पे सिलेबस का पैटर्न आता है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी यहाँ पे टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे पत्रों की संख्या अगर मैं देखूँ तो इसके लिए आप अलग से एक वीडियो जरूर बना के बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो पत्र 1 है आपका इसमें भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा, जैसे कि हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, 60-60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पत्र 2 में जो होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि अवधि इसका 2 घंटे का होगा। इसमें हिंदी भी आपका एक भाषा है तो हिंदी का पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस भी इसमें दिया गया। तीसरा पेपर आपका कंप्यूटर सॉरी सामान्य ज्ञान से है, जहाँ पे 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे और उसमें भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न, और 40 प्रश्न जो है झारखंड राज्य से संबंधित जीके क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और पत्र 1 जो है ये आपका 30% मार्क्स लेकर आना है यहाँ पे, ये भी आपका क्वालिफाइड नेचर का। लेकिन जो पत्र 2 और पत्र 3 है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% अंक लेकर आपका अनिवार्य आना जरूरी है, और पत्र 3 में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा उसका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है आपका हिंदी और अंग्रेजी में मिला के जो है, हिंदी में आपका जो है 30-30 प्रश्न होंगे, ग्रामर से और अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, और अंग्रेजी में भी अनुच्छेद और व्याकरण से संबंधित 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पत्र 2 में जो है ये भाषाएं हैं, जिस भाषा में आपको परीक्षा देना है उसको यहाँ पे आप परीक्षा देते समय उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी, बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न 3 जो होगा यहाँ पे, प्रश्न पत्र 3 जो होगा ये ध्यान रखिएगा सामान्य ज्ञान का होगा, और इसमें संबंधित ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जिससे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे गणित होगा, विज्ञान होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, झारखंड से संबंधित जीके होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी, जो कि प्रश्न पत्र संख्या 2 और 3 के विषयों के योगफल के आधार पे आपका जो मेरिट बनेगा है ना, कॉमन मेरिट लिस्ट, इसी से जारी किया जाएगा, मेधा सूची इसी से होगा। और कुछ नंबर आपके इक्वल आते हैं अगर एक ही तरह के, तो आपके आपके एज के अनुसार, आपके स्नातक के अनुसार कि किस कैटेगरी में आपने स्नातक किया है, आपने अल्फाबेटिकली नेम के अनुसार, उसके अनुसार जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता की मेधा सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी, जो अनारक्षित वर्ग के होंगे 40% के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और अनुसूचित जाति से हैं तो 32%, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5, और आदिम जाति जैसे हैं तो 30%, और आर्थिक रूप से कमजोर है तो 40% के साथ आपका जो है रिजल्ट बनेगा। लेकिन ये क्वालिफाई नेचर है, यहाँ पे नाम नंबर ज्यादा लाइएगा कट ऑफ जाएगा यहाँ पे, तो कट ऑफ कितना जाएगा तो लगभग मान के चलिएगा कि यहाँ पे 150 में कम से कम 100 या 98 या 96 के नंबर लेकर आने होंगे, तभी आपका यहाँ पे कट ऑफ अच्छा बन सकेगा। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने दिया है, इसका सिलेबस भी इसी पैटर्न में दिया हुआ है ना, और ये आपके जो भी झारखंड के निवासी हैं इसी पैटर्न पे अपना सारा सर्टिफिकेट बनवाएंगे, है ना, महिला है तो महिला और पुरुष है तो पुरुष, अपने जाति
आधार पे अपना जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बनवा के अपलोड करेंगे, या फिर ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगी जाएगी। तो ये सारे परफॉर्मा है, इसका फॉर्मेट है। तो ये जानकारी हमारी तरफ से दी गई है दोस्तों, झारखंड सीजीएल के इस परीक्षा को लेकर, जो कि ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों झारखंड सचिवालय में 2000 से भी ज्यादा पदों की अधिकारी वाले जॉब के लिए। फॉर्म कैसे भरना है ये भी अपने बताया है पूरे वीडियो में, और सारा डिटेल भी। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।